लेकिन थोड़ा लंबा सफ़र है, एडवेंचर करने का सोचा था कि गाड़ी पे आके एडवेंचर करेंगे थोड़ा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। रास्ता जो है ख़त्म होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा, यहाँ मैंने ख़त्म हो जाना कसम। तो हमने आराम वगैरह बांध लिया, यहाँ पे मिकात जगह है एक। ऊपर ज़ियारत कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे मना किया गया कि चूमना नहीं है फल फड़ने का, लेकिन लोग कर रहे हैं। बिद्दत के बंदे को होता है कि यार इस जगह पे उन दोनों को मिलाया था अल्लाह ताला ने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग जो है काफ़ी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग व्लॉग है। हम लोग गए हैं कतर से बाय रोड सऊदी उमरे के लिए, तो वो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं अभी, और बाकी सब चीज़ें जो जो रास्ते में हमने किया, कितना स्टे किया और कितना टाइम लगा जाने में हमें, वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, लेट्स गो। I'll be the last one left when the lights go out. तो आप लोग कितनी बार आए छोड़ दे जब एक बार तो दादो साथ बिरयानी खाई थी, बना के लाया था हवा बड़ी। हम सऊदी के बॉर्डर पे आ गए हैं, यहाँ पे अभी हमारे फिंगरप्रिंट्स होंगे, फिंगरप्रिंट्स के बाद पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगी एंट्री की, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। फिंगरप्रिंट्स हो चुके हैं, चेकिंग करवाएंगे गाड़ी की, अब उसके बाद हम निकलेंगे अपने नेक्स्ट सफ़र की तरफ, सऊदीया की तरफ। सऊदीया में एंट्री तो हो चुकी है हम लोग, बाकी जो इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फिंगरप्रिंट्स वगैरह, पासपोर्ट चेकिंग, ये वो स्टैम्प समझो लगाते हैं, इमिग्रेशन वगैरह वो किया। अभी हम लोग जाएंगे, लाइन में लगेंगे, गाड़ी चेक करेंगे वो लोग, फिर देखते हैं आगे। बस लाइन में लग चुके हैं हम लोग, गाड़ी में बैठे हुए हैं इस टाइम, तो बस अब वेट कर रहे हैं। बॉर्डर क्लियर करने के बाद हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया, हम जितना भी मैक्सिमम ड्राइव कर सकते थे हमने ड्राइव किया। जैसा कि सुबह हो चुकी थी, हम रात के निकले हुए थे घर से, तो ऑब्वियसली थोड़ा सी थकावट भी महसूस होने लग गई थी। तो रास्ते में डेजर्ट आया, यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की, कुछ टाइम हमने यहाँ पर डेजर्ट का व्यू इंजॉय किया। सुबह सुबह का टाइम था, ठंड भी बहुत हो रही थी इस टाइम पे, तो उसके बाद हमने अपना सफ़र दोबारा से कंटिन्यू किया। रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा, मैं ख़त्म हो रहा हूँ, रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा कसम से, बहुत लंबा रास्ता है, अभी भी मेरे ख्याल से कोई 500 से ऊपर किलोमीटर रह गया, क्या बनेगा। कल का निकले हमें, हार नहीं मानेंगे, आज हम पहुँच के रहेंगे। ओके सीन करना ना। لهجارهم قلت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا। गाड़ी पे आने का बहुत शौक था, तो सफर हम लोगों का बहुत अच्छा जा रहा है। मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, लेकिन थोड़ा लंबा सफ़र है, एडवेंचर करने का सोचा था कि गाड़ी पे आके एडवेंचर करेंगे थोड़ा, नया एक्सपीरियंस। तो बस अभी एक जगह पे रुके हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए, थोड़ा गाड़ी को भी रेस्ट देंगे, पीछे खड़ी हुई है, तो उसके बाद अभी कोई 20 मिनट के बाद हम दोबारा निकलते हैं, कुछ खाना छाना भी खा लेंगे। मैं सोचा था हम आ तो गए बाय रोड, क्या सोच के मैं आया हूँ यार, रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ मैंने ऐसा क्यों किया यार, चलो बाय रोड जाते हैं,
लेकिन कुछ भी है, एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। ऐसे एडवेंचर ना करने चाहिए, ठीक है, या नई नई चीज़ें आप एक्सपीरियंस में आती हैं लाइफ में। खाना छाना खाएंगे या गाड़ी को थोड़ा आराम देंगे, उसके बाद हम दोबारा निकलेंगे कंटिन्यूसली इंशाल्लाह। फिर वहाँ जाके ब्रेक लगानी हमने मक्का में इंशाल्लाह। तो फिर वहाँ जाके मिलते हैं, वहाँ जाके तुम लोगों को दिखाता हूँ कि ठीक है। और थोड़ी नींद छीने तो रास्ते में तंग किया है, सारी बातें बंदा थक जाता है। ये तो झोंके आए हैं मुझे हैवी ड्राइव करते हुए। फाइनली इतनी ड्राइव के बाद हम लोग सिटी में एंटर हो गए हैं, लेकिन सफ़र यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सफ़र अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ है। أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما रास्ता जो है ख़त्म होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा, यहाँ मैंने ख़त्म हो जाना। बहुत लंबा रास्ता है, अभी भी मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 450 किलोमीटर अभी भी रहता है। मैं क्यों आया बाय रोड, क्यों आया मैं बाय रोड। तो फाइनली हम लोग जो है ताइफ पहुँच चुके हैं कंटिन्यूसली 24 घंटे ड्राइव के बाद। क्या बताऊं तुम लोगों को। तो खैर यहाँ पे अभी हम स्टे करेंगे, आराम वराम करेंगे, नींदे छींदे पूरी करेंगे, खाना वगैरह खा के, ठीक है। उसके बाद जो है सुबह जो है ना हम अहराम बांध के फजर की नमाज के बाद मिकात से हम अहराम बांधेंगे। अहराम बांधने के बाद सीधा हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह मक्का में उमरा करेंगे। तो हमने अहराम वगैरह बांध लिया, यहाँ पे मिकात जगह है एक, तो इंशाल्लाह हम मक्के की तरफ चलते हैं। तो बस अभी हम लोग जो हैं होटल वगैरह देख रहे हैं, होटल वगैरह देखने के बाद हम लोग सीधा इंशाल्लाह उमरे के लिए जाएंगे। तो बाकी इंशाल्लाह ताला हमारा उमरा कबूल करे, और जितने भी लोग देख रहे हो अल्लाह ताला तुम सबको भी यहाँ पे अपने घर में बुलाए। और बस फिर मिलते हैं तुम लोगों को। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
आज हमारा प्लान है मक्के में जितनी भी जगह हैं ज़ियारत के लिए देखने के लिए उन सब जगहों पे हम लोग जाएंगे, उनकी ज़ियारत करेंगे। अभी हम लोग आए हैं गारे हिरा, हम जाएंगे यहाँ इसकी ज़ियारत करेंगे। ये काफ़ी ऊंचाई पर है और रास्ता भी इतना कोई ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह ऊपर टॉप तक जाएंगे जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आया करती थी। वह हम ऊपर तक जाएंगे, जाके ज़ियारत करते हैं इस जगह की। لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج तुम्हें दिखाता हूँ मैं कहाँ से चलता हुआ आया हूँ। लेग डे इज इम्पोर्टेंट। ये है नीचे गारे हीरा, बहुत ज़्यादा रश था लोगों का, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे और व्यू कुछ इस तरह का दिखाई देता ऊपर से। काफ़ी ऊंचाई पे है गारे हीरा और इसके लिए काफ़ी चलना भी पड़ता। गारे हीरा की ज़्यारत के बाद अब हम लोग आए हैं दूसरी जगह पे ज़्यारत के लिए। वो कौन सी जगह अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आगे जाके। अब हम जा रहे हैं जबल रहमत, ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा जो काफ़ी टाइम के बाद एक साथ अल्लाह ने उनको मिलाया था। खैर इसकी बहुत डिटेल है इस्लाम में, वो तो मैं खैर अभी नहीं बता सकता पूरा, तो अभी चलता हूँ ऊपर जाके तुम लोगों को दिखाता हूँ। इस जगह पे जो है ना अल्लाह ताला ने उनकी जो है तौबा कबूल की थी, तो यहाँ पर जो है हर दुआ सुनी जाती है, कबूल की जाती है। तो अभी तुम लोगों को ऊपर चल के दिखाता हूँ, वो ऊपर है जाएंगे। सोच के बंदे को होता है कि यार इस जगह पे उन दोनों को मिलाया था अल्लाह ताला ने काफी सालों के बाद। ये वो जगह है जहाँ पे ना आदम अलैहिस्सलाम रम्मा हवा की जो है तौबा कबूल की गई थी। ये वो मकाम आप देख सकते हो, रहे हैं और नफल पढ़ रहे हैं जो कि मना है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। पर लिखा भी हुआ इसको लेकिन लोग कर रहे हैं। लेकिन ज़्यारत करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए जगह का। तो ये वो पत्थर है, ऊपर ज़ियारत कर रहे हैं। यहाँ पे मना किया गया कि चूमना नहीं है इसको, और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि रसूल ने हुक्म नहीं दिया दो नफल पढ़ने का, लेकिन लोग कर रहे हैं। क्या बनेगा यार, बिद्दत कर रहे हैं, बिद्दत। बाकी हम ज़ियारत कर रहे हैं, अच्छा लगा। ये आपको सामने छोटा सा एक मीनार टाइप नज़र आ रहा होगा, मीनार टाइप बना हुआ कुछ। यहाँ पे इब्राहिम इस्लाम इस्माइल इस्लाम को लेके आए थे उनको ज़िबा करने के लिए, तो ये वो जगह है। अभी हम लोग आए हैं एक जगह पे, यहाँ पे जो है शैतान को कंकर मारे जाते हैं। हम लोग अंदर नहीं गए हुए, हम लोग बाहर से, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। वो सामने एक नज़र आ रहा होगा, ये बड़ा शैतान है, बाकी ये दो साइड पे छोटे शैतान हैं। तो इनको यहाँ पे अंदर जाते हैं, यहाँ पे जब हज वगैरह करते हैं तो यहाँ पे इनको अंदर जाके कंकर मारे जाते हैं। ये शैतान है यहाँ पे, ये दो छोटे शैतान आपको नज़र आ रहे होंगे, ये दो छोटे शैतान हैं, यहाँ पे इनको अंदर जाके कंकर मारे जाते हैं। ये हज के टाइम पे होता है, उमरे के टाइम पे तो नहीं जा सकते, अब जारी बात है। अब आप लोग बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं ये वो जगह है शैतान की, और यहीं पे जाके जो है शैतान को कंकर मारे जाते हैं।
अभी हम लोग आए हैं कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान का नाम नीचे मैंने आप लोगों को दे दिया। तो यहाँ पे काफ़ी सहाबा लोगों को दफन किया गया है, और यहाँ पे ये जो है कब्र हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम की कब्र है, उनको यहाँ पे दफन किया गया है। Thank you.